नेशनल पार्टी की सभा का आयोजन केंद्रीय कार्यालय सोनिया विहार में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह बिट ने लोगों के बीच अपने विचार रखे, साथ ही देश के उज्जवल मुद्दों की बात की और आगामी चुनाव पार्टी को मजबूती से लड़ने की अपील की। और देश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करें, उस पर क्या कहना है? मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि देश की जो बच्चियाँ हैं, आजकल बहुत ही क्राइम हो रहा है, तो मैं उन पर पूरा फोकस डाल रही हूँ कि हम उनके साथ हैं, तन से, मन से, धन से, जरूरत पड़ेगी तो जिस तरह से भी हम उनकी रक्षा करेंगे और अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे। और अपनी पार्टी में जितने हमारे लोग हैं, अध्यक्ष हैं, जितने अपने अच्छी पदों पर हैं, वो सारे उनका सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और हमारे जो भगत सिंह हैं, जो मैन हैं, मैं समझती हूँ कि भगत सिंह पैदा हुए थे नहीं, आज प्रेजेंट हैं और वो देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो जय भारत, जय हिंद। हम लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने हमारा सहयोग किया, जनता का भी सहयोग रहा और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों का भी अधिक सहयोग रहा, जिसमें हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम लोग आने वाले दिल्ली के अंदर नगर निगम के जो चुनाव आएंगे उनमें हम लोगों की पार्टी का किस प्रकार से उसका व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से हमारी पार्टी कार्य करेगी। हमने सभी लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि नेशनल अपनी पार्टी दिल्ली प्रदेश में पूरे नगर निगम चुनाव में 272 वार्डों में चुनाव लड़ेगी और अपने सभी कैंडिडेट प्रत्याशियों को उतारेगी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा दिल्ली प्रदेश में साफ़ सफाई का मुद्दा। साफ़ सफाई में आज जनता बहुत परेशान है, आप देख सकते हैं दिल्ली के हालात, एक ज़रा सा बारिश होने पर दिल्ली की सड़कें जो है, बस का पानी बस के खिड़कियों पर लग रहा है, आपको दिखाई दे सकता है। और जनता के लिए हम लोग उन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे जो प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, जो युवा महत्वाकांक्षी तो है परंतु वो राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है, अपनी आर्थिक परेशानी की वजह से वो बड़ी बड़ी पार्टियों में दरिया बिछाने तक सीमित है। मेरा उद्देश्य है, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हम ऐसे लोगों को आगे ला करके नगर निगम की बागडोर उन लोगों के हाथ पर देंगे जो लोग असली मायने में दिल्ली प्रदेश की सफाई कर सकते हैं, वो चाहे सामाजिक स्तर से हो या आपका आर्थिक स्तर से हो, वो लोग दिल्ली प्रदेश में काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे लोगों को हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग आगे लेके आएंगे। आज की जो मीटिंग थी वो कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन देने के उपलक्ष्य में मीटिंग थी और आने वाले चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। और आज की मीटिंग को देखते हुए मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रतिभाव मिला है और लोग काफ़ी उत्साहित है। नेशनल ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नेशनल लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह बिस्ट जी, उन्होंने ये एक पार्टी खाली इसलिए पार्टी नहीं बनाई कि पार्टी बनाओ और लोगों को उसका कुछ फ़ायदा उठाना या किसी पार्टी को खाली दिखावा करना। कोरोना छलावा कह हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार ने जो छलावा किया है ना, वो बड़ा गंभीर छलावा है। आज भी क्या है कि कहते हैं कि तुम्हें जो है ना हर आदमी को अनाज मिलेगा, हर आदमी खाते में, लोगों के खाते में पैसा नहीं आया, सब गोदाम भरे पड़े हैं। कहते हैं ये उस देखिए सबसे बड़ी समस्या, एक समस्या और बहुत तगड़ी है कि दिल्ली के अंदर अभी 272 वार्डों पर इलेक्शन होने वाले हैं और MCD का जहाँ तक दिल्ली के अंदर आपको मालूम है कि MCD से दिल्ली के अंदर कोई भी खुश नहीं है। उसका कारण है कि पिछले कुछ सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जितने भी हमारे दिल्ली के अंदर काम करने वाले आदमी हैं, चाहे वो साफ सफाई करने वाले हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो गैस टीचर हों, सब लोग बहुत परेशान हैं। अब उन्हीं मुद्दों को हम ध्यान में रखते हुए नेशनल अपनी पार्टी ने सोचा है और एक ठाना है कि आने वाले समय में हम दो दिल्ली के 272 वार्ड हैं उनपे हम पूरी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे।